अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। आज इस टाइम मैं कौथम जोहर टाउन में मौजूद हूं। यहां पर जितने भी आप कॉन्टीनेंटल बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट होता है वहां के जो शेफ़ हैं वो तैयार होते हैं। आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है मैंगोलीशियस द मैंगो फीस्ट 2021। यहाँ पर इवेंट हो रहा है और यहाँ पर मैंगो डे मनाया जा रहा है। इधर मैंगो की तबाहियाँ मचाई गई हैं, मैंगो काट के मुख्तलिफ चीज़ों में डाला गया है, चिकन में भी मैंगो डाला गया है और भी बड़ी इसमें डेजर्ट में मैंगो बनाया गया है। आज आपको दिखाते भी हैं, पहले आप ये शॉर्ट चेक करें। जी हमारे साथ इस टाइम यहाँ की टीचर मौजूद हैं जो बच्चों को सिखाती हैं कि खाना कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है पहले ये बताएं? जी मेरा नाम है शेफ सुमैरा सदीक। तो मैं यहाँ पर माशाल्लाह से 3 साल से हूँ और बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ कुकिंग की और बेकिंग। अच्छा मैडम, आपके पास इस तरह की लड़कियाँ भी आती हैं जो ये कहें कि हमने खाना बनाना सीखना, हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, इस वजह से मैं खाना बनाना नहीं आता, तो उनको क्या सिखाती हैं आप? बच्चियां तो आगे नहीं आती इसलिए कि हमारी शादी नहीं हो रही कि हमने खाना नहीं, क्योंकि माएँ ज़रूर उनको भेजती हैं कि बच्चों जाके कुछ सीखो, कल को तुम्हारी शादी करनी है तो खाना बनाना आना चाहिए। तो उनको हम फिर सारा A to Z सिखाते हैं। अच्छा तो आपकी स्पेशलिटी क्या है जब आप आई थी इधर, किस तरह ये सिखाते हैं, क्या इन्वायरमेंट है इधर? इन्वायरमेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है सब। हम स्टूडेंट के साथ एज अ फ्रेंडली काम करते हैं क्योंकि किचन, आपको पता है किचन में एटमोसफेयर ऐसा ही होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए तो ही काम होगा। और जब मेरे यहाँ पर कॉन्टीनेंटल भी है मैं करवाती हूँ, इटालियन में करवाती हूँ, फ्रेंच में, और हमारा जो पाकिस्तानी है वो भी, और उसके साथ साथ बेकिंग भी करवाती। अच्छा बेकिंग भी। आज मैंगो डे से वाले से क्या कहेंगी, कौन सा बच्चा लाइक है जिसने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बनाया हो मैंगो के वाले से? ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है अभी इस टाइम पर, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है और सब ने माशाल्लाह बहुत एफर्ट की है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा वेदर भी ऐसा है, तो इस वेदर में सारा कुछ हैंडल करना बच्चों के लिए बहुत ट्रिकी था और ये इनका एक तरह की इनकी लर्निंग है। तो माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, मेरे हिसाब से सब विनर हैं। तो अब ये जजेस बताएँगे क्या कौन कितना विन है और किसने क्या एफर्ट ज़्यादा किए। चले मैडम, बेस्ट ऑफ लक। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, बच्चों को भी करे, कोई फेवरेटिज्म ना हो इधर, और फेवरेटिज्म होती है इदारों में, हो जाता है, लेकिन हमारी ये दुआ है कि ऐसा कुछ ना हो और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। क्या नाम है? मलाइका। मलाइका, अच्छा मलाइका ये बताएं कि आपने आज मैंगो डे पर क्या बनाया? मैंने ड्रिंक बनाई है। ड्रिंक बनाई है मैंगो में? ड्रिंक मैंगो में भी डलती है? ड्रिंक बनाई है आज मैंने, ये कह रही। ड्रिंक कौन सी बनाई है? मैंगो ड्रिंक बनाई है। मैंगो ड्रिंक तो सिंपल मिलती है, एप्पल मिल्क ड्रिंक। अच्छा ये मिक्स करके ये रेसिपी है, तो रेसिपी थोड़ी सी बताएंगी किस तरह बनती है? फर्स्टली मैंने प्यूरी बनाई मैंगो की, देन मैंने कोल्ड वाटर ऐड किया, फिर मैंने कोल्ड मिल्क ऐड किया, देन मैंने कोल्ड एप्पल जूस ऐड किया और उसको मिक्स किया। ये तो नहीं धमाका हो गया? नहीं, आइस क्यूब डाली और आप उसे डेकोरेशन के कलर आइस क्यूब भी डाल सकते हो। तो किससे सीखी है आपने, मतलब घर पर भी ट्राई करती हैं कि यहाँ पर सीखी है? मैंने अपने खुद ट्राई किया घर पर, तो मैंने ये न्यू ड्रिंक बनाई। अच्छा शेफ बनकर आप क्या सोचती हैं कि आप क्या करना चाहती हैं? फर्स्टली तो मैं शेफ बनकर अपना खुद का कैफे बनाना चाहती हूँ और उससे काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ों की क्रिएटिविटी करके उसको और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अच्छा आपका ये मकसद है, तो अगर यहाँ से कोई जॉब मिले कोई बड़े रेस्टोरेंट से करना चाहेंगी? यहाँ से ज़रूर करूँगी, एक्सपीरियंस ही है ऑब्वियसली। चलें बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत अच्छा मकसद है आपका। थैंक यू। हमारे साथ एक और शेफ साहिब भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम ये बताएं कि आपको सबसे पहले शौक़ कैसे हुआ बनाने का, खाना बनाने का? बेसिकली आई एम अ हाउसवाइफ और मैं हमेशा से मतलब डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी। हस्बैंड ने तो नहीं आपको यहाँ एडमिशन करवाया कि आप अच्छे अच्छे खाने बना के मुझे खिलाओ? बिल्कुल, ये मेरे हस्बैंड का भी शौक था, दूसरा उन्होंने मेरा शौक देखते हुए तो मुझे यहाँ पे एडमिशन करवाया हूँ।
ताकि मैं आगे कुछ कर सकूँ और कॉफ़ी में इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया। मतलब जो खाना बनाने आ जाएगा फिर आप छोड़ देंगी यहाँ से? नहीं बिल्कुल नहीं, ऑफकोर्स उन्होंने इतनी मेहनत की है मेरे लिए तो मैं इसके अपने विशेष को कंटिन्यू रखना चाहूँगी। तो अगर आपको बाहर से कहीं से ऑफर आ गई फिर क्या करेंगी? तो मैं इंशाल्लाह गेन करूँगी उस ऑफर को और ट्राई करूँगी। यहाँ पे आज जो मैंगो डे हो रहा है इस हवाले से क्या कहेंगी, आपने क्या स्पेशलिटी यहाँ पर बनाई है? मैंने मैंगो मोहितो बनाई है ड्रिंक। मैंगो मंजर धाड़ो मोहितो? मोहितो ये क्या होता है? इट्स समथिंग लाइक विद सॉफ्ट ड्रिंक, मैंगो सॉफ्ट ड्रिंक है ये और काफ़ी रिफ्रेशिंग है समर के लिए और इनफैक्ट किड्स कैन आल्सो ड्रिंक इट। चले हम ये है कि बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, अभी तो आपका रिजल्ट मेरे ख्याल से अनाउंस होगा। जी हाँ अभी मेरा। अच्छा जज मैंने देखा इन्होंने एक ही रखा हुआ है, वो बार बार मीठा टेस्ट कर रहा है उसका तो मुंह का जायका एक ही हो जाएगा, उसको कैसे पता लग रहा है कि नाइस है कि नहीं है? नहीं वो जो हमारे शेफ जो जज हैं वो माशाल्लाह सर रिजाक वो काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और ही कैन टेस्ट एवरीथिंग और वो बहुत अच्छा भी जज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। आपका? फौजी शफीक। अच्छा ये बताएं आज जो आपका यहाँ पर टेस्ट हो रहा है उसमें आपने क्या बनाया? मैंने तो मैंगो डिलाइट और मैंगो ट्रफल। क्या बनाया? मैंगो डिलाइट और मैंगो ट्रफल। आपने? मैंगो मलाई रोल। मैंगो मलाई रोल, मैंगो चिकन भी है यहाँ पे? हाँ सैलड्स में होगा, मैंने तो डिजर्ट बनाया तो डिजर्ट में तो ये चीज है। यानी आज मैंगो का बुरा हाल कर दिया सारे मैंगो लगता है पूरे लाहौर के इधर आ गए हैं और उनको कत्ले आम हो रहा है उनका। प्यार से उनको हमने डील किया, बहुत प्यार से किया, आज तो उनको इज्जत ही है, उनको अच्छा, इज्जत देंगे तो हमारा कुछ। अच्छा मुझे ये बताएं मैंगो में तो बड़ी वैरायटीज होती हैं, कौन सा होता है ये होता है, हर मैंगो इधर यूज हो जाता है? यस हर मैंगो यूज कर सकते हैं। आपकी स्पेशलिटी क्या, आपने जो बनाया है उसमें क्या क्या डलता है? मैंगो बिस्किट्स क्रीम व्हिपिंग क्रीम सब कुछ जो हर चीज डिजर्ट में चलता है। तो स्पेशली अपनी भी तैयार की है कि बाजार से ली है? नहीं नहीं अपनी तैयार की है, बस ये है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी जैसे ये कस्टर्ड हो गया वो बाजार से रिफान का ली गया है तो उन्होंने कहा अपना बनाया करें इस अच्छा। चीज़ को भी बस ये उन्होंने कहा, बैड कमेंट्स भी नहीं अच्छे कमेंट्स भी दोनों चले तो इसलिए फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा गया। कभी आपने बनाया कोई मैंगो धमाका हो गया कोई इस तरह की चीज़ बनी? नहीं नहीं मैंने आज जो बनाया मेरे लिए तो ये धमाका ही है क्योंकि मेरी अपनी क्रिएशन है सारी। अच्छा तो मेरे लिए ये धमाका ही है। तो टीचर जो सिखाते हैं तो वो कहते नहीं है कि यार हमने जो सिखाया वो बनाओ इससे इम्प्रेस होंगे वो जजेस? हमारे में यही है कि सर कहते हैं मैम कहती हैं कि जो मैं सिखाऊँ उसमें आप क्रिएशन करो, क्रिएटिविटी मस्ट। अच्छा मैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म के वाले से पूछूंगा, ये यूनिफॉर्म है पायलट वाला पहना हुआ है, बन आप शेफ रहे हैं ये क्या? एक्चुअली ये आप नहीं क्वेश्चन कर रहे, कल हम गए थे राजा साहब पे वहाँ पे छोटे से छोटे बंदे ने अलीट से अलीट क्लास के बंदे ने हमें नोट किया और आप बिलीव करेंगे किसी को नहीं पता कि ये शेफ यूनिफॉर्म है। कोई कह रहा था आप यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, कोई कह रहा था ये कपड़ों वाले मतलब ये गार्मेंट्स वालों के, किसी को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। तो आपके कपड़े कहाँ? मेरे कपड़े नहीं नहीं पहने तो हैं इस तरह के ऊपर है। अच्छा ऊपर है, चलें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मोटिवेट हैं और उनका यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है मैंगो डे के हवाले से, तो आप देखते हैं अभी फैसला तो नहीं हुआ कौन जीतता है कौन हारता है, ये हमारे पाकिस्तान है और यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।